नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए बहुत ही कमाल की इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं। आपको बताते चलें कि जितनी भी रेल सुविधाएं थी जो कि क्षेत्रवासी मांग कर रहे थे कि हमारे यहां पे कुछ ट्रेनों का स्टॉपेज दिया जाए तो कुछ ट्रेनों को शुरू किया जाए। आपको बताते चलें सबसे बड़ी खुशखबरी कि इस समय भारतीय रेलवे यात्रियों की सुविधाओं के प्रति बहुत ज्यादा काम कर रहा है। अब काम क्यों कर रहा है ये आप भी जानते हैं कि अब काम क्यों हो रहा है। जैसे कि बात की जाए अगर सिवनी रेलवे स्टेशन की, तो सिवनी रेलवे स्टेशन में एक साथ ही 4-5 ट्रेन की सुविधा मिल गई। इनके अलावा सिंगरौली की भी मांग थी वो भी पूरी हो गई। इनके अलावा चंदिया बिरसिंहपुर वालों की जो मांग थी वो भी पूरी हो गई है। इनके अलावा जबलपुर इतवारी के बीच में जो नई ट्रेन शुरू होने का प्रस्ताव रखा गया था उस पर भी तैयारी बड़ी जोरों से की जा रही है। यानी कितने सारे उद्घाटन अब होंगे नई नई ट्रेनों के, जो कि बताना बहुत ही मुश्किल होगा। तो आज के इस वीडियो में हम आपके लिए सिंगरौली रेलवे स्टेशन में जो ट्रेन सुविधाएं दी गई हैं और इनके अलावा हमारे कटनी बिलासपुर सेक्शन में जो चंदिया बिरसिंहपुर रेलवे स्टेशन पड़ते हैं वहां की जो सुविधाएं हैं उनकी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको हम बताते चलें दक्षिणपुर मध्य रेलवे के अंतर्गत आने वाले जो रेलवे स्टेशन है जो कि कटनी बिलासपुर सेक्शन में आते हैं, इनमें पिछले कई महीनों से मांग की जा रही थी कि ट्रेनों के स्टॉपेज को दिया जाए, बहाल किया जाए। हालांकि चंदिया के लोगों ने तो रेल रोको आंदोलन तक कर दिया था, उस समय आश्वासन दिया गया था लेकिन सकारात्मक कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन हमारे शहडोल की जो माननीय सांसद है हिमांद्री सिंह जी, इनके तरफ से भी प्रयास किया जा रहा था और इनका जो प्रयास है वो सफल हो गया। यानी कि माननीय सांसद के तरफ से दो प्रयास किए जा रहे थे। पहला प्रयास था कि कोरोना के पहले जिन ट्रेनों का स्टॉपेज जहां था वो वहां हो जाए, और दूसरा उनका जो प्रयास था वो है कि जबलपुर से इतवारी वाया शेड्यूल के रास्ते एक नई ट्रेन मिल जाए, जिनमें उनका एक प्रयास पूरा क्लियर हो गया है जिसमें अप्रूवल लेटर भी आ गया है। यानी कि ट्रेनों के स्टॉपेज बहाल कर दिए गए हैं, उसका अप्रूवल लेटर आ गया है। अब इंतजार है तो जबलपुर इतवारी वाया शेड्यूल नई ट्रेन का, और उम्मीद जताई जा रही है कि और जल्द ही ये खुशखबरी हम सभी के बीच में आने वाली है। तो जैसी खुशखबरी आएगी वीडियो के माध्यम से हम आपको सबसे पहले अवगत कराते हैं और इस बार भी कराएंगे। तो फिलहाल आपको बताते चल रहे हैं कि कटनी बिलासपुर सेक्शन में जो मांग की जा रही थी जिन ट्रेनों की, तो आइए बताते हैं कौन किन किन ट्रेनों के स्टॉपेज को कहां कहां बहाल किया गया है, किस किस रेलवे स्टेशन में और कब से वो ट्रेनें रुकेंगे। तो सबसे पहले आपको बताते चलें गाड़ी संख्या 182334 इंदौर बिलासपुर नर्मदा एक्सप्रेस ट्रेन, ये ट्रेन अब जैतहरी रेलवे स्टेशन में रुकेगी 6 मार्च 2023 से। दूसरी जो ट्रेन है वो है पुरी ऋषिकेश कलिंग उत्कल ट्रेन, ये ट्रेन चंदिया रोड रेलवे स्टेशन में रुकेगी 6 मार्च 2023 से। हालांकि चंदिया के लोगों की डिमांड ये भी थी कि रीवा बिलासपुर ट्रेन को भी रोका जाए, लेकिन रीवा बिलासपुर का स्टॉप में चंदिया के लोगों को अभी नहीं मिला, लेकिन आगे मिल सकता है ऐसा माना जा रहा है। तो देखिए क्या नतीजा निकल के आता है आगे। तो फिलहाल तीसरी जो ट्रेन है वो है छपरा दुर्ग सारनाथ एक्सप्रेस ट्रेन, ये ट्रेन उमरिया रेलवे स्टेशन में रुकेगी 6 मार्च 2023 से। चौथी जो ट्रेन है वो है बिलासपुर रीवा एक्सप्रेस ट्रेन, ये ट्रेन भी उमरिया रेलवे स्टेशन में 6 मार्च 2023 से स्टॉपेज रहेगा 2 मिनट का। इनके अलावा बिलासपुर रीवा एक्सप्रेस ट्रेन बिरसिंहपुर रेलवे स्टेशन में भी रुकेगी 6 मार्च 2023 से। यानी कि उमरिया में दो ट्रेन रुकेंगी, सारनाथ एक्सप्रेस ट्रेन और बिलासपुर रीवा एक्सप्रेस ट्रेन, और बिरसिंहपुर में बिलासपुर रीवा एक्सप्रेस ट्रेन रुकेगी। इनके अलावा बुरहानपुर में लोकमान तिलक बनारस एक्सप्रेस ट्रेन का स्टॉपेज दे दिया गया है जो कि 6 मार्च 2023 से प्रारंभ हो जाएगा। इनके अलावा अहमदाबाद बरौनी एक्सप्रेस ट्रेन का स्टॉपेज खंडवा रेलवे स्टेशन में 7 मार्च 2023 से दे दिया गया है। आइए दिखाते हैं आपको दक्षिणपुर मध्य रेलवे में जो ट्रेनों के स्टॉपेज को बहाल किया गया है उसका अप्रूवल लेटर। इन ट्रेनों के रुकने से हालांकि स्टेशनों के जो यात्री हैं उनको थोड़ी बहुत राहत तो मिलेगी। हालांकि पूरी तरीके से मांग तो नहीं मानी, लेकिन जो भी मांग मानी गई है इसमें थोड़ी बहुत राहत होगी। तो इन सब ट्रेन के रुकने से क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। इनके अलावा आपको लेके चलते हैं सिंगरौली की ओर। सिंगरौली की जो माननीय सांसद है आदरणीय रीति पाठक जी, इनकी तरफ से 3 प्रयास किए जा रहे हैं। पहला प्रयास जो है वो है कि रीवा सीधी सिंगरौली रेल मार्ग के पात्र किसानों को नौकरी दी जाए, जो कि अभी तक इस विषय पर निर्णय नहीं हो पाया। दूसरा जो प्रयास किया जा रहा है वो
ये है कि जबलपुर से सिंगरौली के बीच में शाम बाली एक इंटरसिटी ट्रेन को चलाया जाए, जिसपे अभी विचार विमर्श चल रहा है। यानी कि इनके जो ऊपर के दो प्रयास है, ललितपुर सिंगरौली रेल परियोजना में नौकरी वाला और जबलपुर सिंगरौली शाम बाली इंटरसिटी का, इन दोनों इनके जो प्रयास है इनमें विचार विमर्श किया जा रहा है। तीसरा जो इनका प्रयास था जिसमें इन्होंने मांग की थी कि कुछ ट्रेनों के स्टॉपेज को बहाल किया जाए, तो तीसरा वाला जो प्रयास है वो पूरा हो गया। आपको बताते चले कि माननीय सांसद रीति पाठक जी के तरफ से 22 जुलाई 2021 और 23 अगस्त 2022 को दो बार इन्होंने पत्र भेजा था ट्रेनों के स्टॉपेज के संबंध में, जिसको अब मान लिया गया है। आपको बताते चले गाड़ी संख्या 221-6768 सिंगरौली निजामुद्दीन एक्सप्रेस ट्रेन का जो स्टॉपेज है वो जोबा रेलवे स्टेशन में कर दिया गया है और गाड़ी संख्या 11651 सिंगरौली जबलपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन का जो ठहराव है वो गजरा बहरा रेलवे स्टेशन में कर दिया गया है। ये उनकी मांग थी जो कि पूरी हो गई है। अब माननीय सांसद नीति पाठक जी की दो मांग और हैं। पहली मांग है कि ललितपुर सिंगरौली में पात्र किसानों को नौकरी दी जाए और दूसरी मांग है कि जबलपुर से सिंगरौली के बीच में एक शाम वाली इंटरसिटी चल सके। तो आपको बताते चलेंगे इस समय रेलवे कुछ ज़्यादा ही मेहरबान है यात्री सुविधाओं में। जितने भी माननीय सांसद हैं सभी की जो मांग है उन सभी पर गंभीरता से सोचा जा रहा है और अब बहुत ही जल्द जबलपुर इतवारी वाया शहडोल नई ट्रेन भी शहडोल अंचल वासियों को मिल सकती है, ऐसा उम्मीद जताई जा रही है। तो फिलहाल देखिए आपको नई नई खुशखबरियां आप सुनने को मिलेंगी। तो फिलहाल जैसे ही किसी भी प्रकार की कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आएगी वीडियो के माध्यम से हम आपको जरूर अवगत कराएंगे। सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को और हमारे परिवार का हिस्सा जरूर बनिएगा। बस आज के वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। वीडियो अगर पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी और क्या है आपका सुझाव। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।